आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मनावर की ग्राम पंचायत पिपरीमान की दो महिलाओं से परेशान ग्राम पंचायत सरपंच सचिव व ग्रामवासी एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सरपंच उपसरपंच व ग्रामवासियों ने एसडीएम राहुल गुप्ता को ज्ञापन देकर बताया कि हमारे गांव में पंचायत के द्वारा शासकीय पाड़ी पर कंटूर मनरेगा से मजदूरों के द्वारा कार्य कराया जा रहा था। इसी बीच शासकीय कार्य में बाधा डालने गांव की दो महिलाओं मजदूरों पर दराती लेकर मारने दौड़ी और उन दोनों महिलाओं के द्वारा शासकीय कार्य को मजदूरों द्वारा काम करवाते हुए रुकवा दिया गया। पूर्व में भी इन दोनों महिलाओं के द्वारा पहाड़ी पर लगे सैकड़ों पौधों को उखाड़ फेंका, जिसकी शिकायत सरपंच व ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर धार तहसील मनावर सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई थी, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर एसडीएम ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये जो ज्ञापन दिया, किस सम्मान को लेकर ज्ञापन दिया गया? पहाड़ी पे गड्ढा खोद रहे हैं तो वहाँ पे मजदूर उनको काम नहीं करने देते, मारने दौड़ते। कौन मारने दौड़ता है? रमू भाई जवाहर सिंह, उसका कुछ भी नहीं अधिकार है और वो जबरदस्ती जगह हड़प करते और मजदूर को काम नहीं करने देते और मजदूर उनको मारते और डराता लेके मारने दौड़ते तो काले बगते। हाँ, आगे भी शिकायत करी। क्या हुआ आगे? कहीं कागज और वगैरह लिख के दे दिए सब, अभी हल कहीं कार्रवाई नहीं हुई आगे से। अक्षय पाटीदार, ग्राम पंचायत पिपरीमान उपसरपंच हूँ मैं। ये पहाड़ी पे गड्ढे खोदने के लिए काम चल रहा है गड्ढे का, और पौधे लगाने का भी काम था उसमें, जो काम रोक रहे हैं एक गांव की महिला है, वो काम नहीं करने देती और गाली गलौज करती है और भी मारने भी दौड़ती है। किन पे मारने दौड़ती है? मजदूरों पर, काम नहीं करने देती है। आपने आगे शिकायत की है कभी? आगे भी एक बार पहले 3 महीने पहले शिकायत करी थी, उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है और आज वापस एसडीएम सर को और तहसीलदार सर को ज्ञापन देने आए।